हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि गमका का मेडिकल जो होता है उसका अपॉइंटमेंट हम लोग कैसे बुक करते हैं। अगर आपको अपने फोन के माध्यम से करना है तो फोन से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आपके पास पीसी है तो पीसी से भी कर सकते हैं। वो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पे बैठे हुए भी गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो भी कुछ ही सेकेंडों के अंदर आप लोग कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। तो कहीं कहीं साइबर कैफे में जाइएगा, 1500, 1600, 2000 तक, जो नहीं जानता है उससे 2000 तक भी चार्ज लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से 100% सिक्योर आप ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि गमका का मेडिकल जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और यहाँ पे ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे आने के बाद से वहां फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आइएगा। तो जैसे यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको वाफिद, क्या लिखना है आपको, वाफिद। जैसे आपको यहाँ पे वाफिद लिख के इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे वाफिद वाफिद डॉट कॉम कर दीजिएगा। चलिए वाफिद कॉम हम यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा, यहाँ पे हमने भी से लिखा है, आप यहाँ पे डब्ल्यू से कर लीजिएगा, ठीक है। वाफिद डॉट कॉम भी कर सकते हैं, या वाफिद केवल सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपके सामने जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लिंक आने वाला है वाफिद वाला, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमको गमका मेडिकल का जो ऑफिशियल साइट होता है वहां पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा, आपको एक दे रहा है यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट। क्या दे रहा है आपको, बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। और यहाँ से हम बुक के मेडिकल, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पे अपॉइंटमेंट। आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद से जैसे जैसे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन को फिलअप करते जाना है। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप आपको ऑप्शन को गाइड करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ किस प्रकार से ये फॉर्म को फिलअप करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है कंट्री, हम जिस कंट्री से हम लोग आते हो आपको यहाँ पे कंट्री को चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ से इंडिया से आता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना इंडिया यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको चूज करना है जहां पे आपको मेडिकल कराना है, यानी जिस सिटी में आपको अपना मेडिकल कराना है वो आपको यहाँ से सेंटर को चूज कर लेना है। जैसे आपको पटना जाना है, मुजफ्फरपुर, मैंने पटना जाना है, हैदराबाद जाना है, जयपुर जाना है, इंदौर जाना है, कोलकाता जाना है, यानी बहुत सारा यहाँ पे मेडिकल सेंटर दिया हुआ है। जिस सेंटर पे आप जाना चाहते हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पटना चूज कर लेता हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पे अपना मेडिकल सेंटर कहाँ चूज कर लिया कि मेरे को ये जो अपॉइंटमेंट बुक करना है वो पटना के लिए बुक करना है, तो मैंने यहाँ पे पटना डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेक्ट जीसीसी कंट्री, यानी आप यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो कंट्री ट्रेवलिंग टू, यानी आप इंडिया से किसके लिए जा रहे हैं, यानी कहाँ के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप जहां के लिए जा रहे हैं वहां के लिए गमका मेडिकल करा रहे हैं तो वो चीज आपको यहाँ पे चूज करना होगा। जैसे आप बहरीन जा रहे हैं तो बहरीन का, कुवैत जा रहे हैं तो कुवैत का, ओमान का, कतर का, सऊदी अरबिया का, यूएई का, या योमेन का, मतलब जहां आप जा रहे हैं जिस कंट्री के लिए आप ये करा रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, चूज कर लेना होगा। जैसे मैं बहरीन के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे बहरीन चूज कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कि कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, यानी जो कैंडिडेट जा रहा है तो आप उसके पासपोर्ट के हिसाब से इसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा नाम विशाल है, या मान लीजिए किसी राम का बुक कर रहे हैं, राम कुमार का, जैसे उसके पासपोर्ट पे राम कुमार राम या राम कुमार सिंह ऐसे करके उनका नाम है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा है राम, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे राम कुमार सिंह का मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हमसे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट नेम में क्या हो जाएगा, तो देखिए राम कुमार सिंह का अगर हम कर रहे हैं तो राम और कुमार एक ही में कर दीजिएगा और यहाँ पे लास्ट नेम में सिंह कर दीजिएगा, ठीक है। अगर केवल राम कुमार है तो राम और ए थी फर्स्ट नेम में कर दीजिएगा और लास्ट नेम में कुमार कर दीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा पासपोर्ट पे आपको देख लेना है।
और देखने के बाद से आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे मैं ऐसे रैंडम वैल्यू में यहाँ पे चूज कर दे रहा हूँ कि 1 तारीख पहला महीना 1994 मैंने रैंडम वैल्यू चूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद से आपका नेशनलिटी यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद से जेंडर यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, मेल फीमेल, तो मेल है तो मैंने मेल डाल दिया। उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर सिंगल है यानी शादी नहीं हुआ तो सिंगल, और शादी हो गया है तो मैरिड, तो मैंने यहाँ पे सिंगल डाल दिया, ठीक है। शादी नहीं हुआ है तो मैंने इसे सिंगल डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे आकर के पासपोर्ट नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया U12345 ऐसे करके मैंने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर रैंडम वैल्यू डाल दिया। उसके बाद से ये कंफर्म आपको पासपोर्ट नंबर करना है कि भाई आपने ये पासपोर्ट नंबर जो यहाँ पे डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू भर के कंफर्म कर दिया। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका पासपोर्ट बना है वो कब का बना है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू क्या डाल दिया, यहाँ पे 1/12/2023 मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पासपोर्ट आपका बना कहाँ है से, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल हम लोग का पटना से बनता है, यहाँ पे हम इंडिया सिटी से आते हैं तो हम लोग का पटना बनता है, तो मैंने यहाँ पटना डाल दिया। और ये सारा डिटेल, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे ये पासपोर्ट इशू डेट और ये प्लेस, ये जब हम पासपोर्ट को ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का उसी में ये डिटेल लिखा रहता है। तो आपको पासपोर्ट अपना ओपन कर लेना है और देखना है, फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहता है, देखिएगा नीचे में जब आएंगे तो वहां पे नीचे साइड में देखिएगा पासपोर्ट इशू डेट लिखा रहता है और एक्सपायरी भी लिखा रहता है, ठीक है। और सबसे ऊपर में ये पासपोर्ट नंबर लिखा रहता है आपका वहां पे राइट साइड में, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पासपोर्ट एक्सपायरी पूछा जा रहा है, तो लमसम हम लोग का देखिएगा जो पासपोर्ट होता है वो 10 साल पे एक्सपायर हो जाता है, तो जैसा मैंने यहाँ पे डेट डाला है 1/12/2023 मैंने मेरा बना हुआ है, तो ये आपका 1/11 देखिएगा यहाँ पे दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मैं दूसरा यहाँ पे मैं मंथ डाल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नवंबर डाल दिया, नहीं 11वां महीना डाल दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डाल देते 11वां महीना, और यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया 10 तारीख को, यानी 10/11/2023 को मेरा पासपोर्ट बन रहा है, तो ये एक्सपायर कब होगा, तो आपका एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पे लिखा रहता है, यानी अगर आपको पता भी नहीं है तो जैसे मैं रैंडम वैल्यू बता रहा हूँ कि ये 10 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो मेरा 33 में एक्सपायर होगा, क्या होगा मेरा 33 में होगा। तो मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद से मैं यहाँ से क्या किया, यहाँ पे 33 मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने 33 चूज कर लिया, 2033, उसके बाद से 11वां महीना, तो मेरा नवंबर हो गया और एक्सपायर 1 दिन पहले होगा, यानी 10 है तो मैंने 9 कर दिया, यानी मेरा एक्सपायर डेट यहाँ पे फिलअप कर दिया। ऐसे ही आपके पासपोर्ट पे भी दिया होगा, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे आइएगा तो वीजा टाइप पूछेगा, तो भाई हम लोग कमाने के पर्पज जा रहे हैं तो वर्क ही वीजा होगा, तो आपको यहाँ पे वर्क वीजा डाल देना है, ठीक है। वर्क वीजा डालने के बाद से देखिएगा यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा, तो मैं रैंडम वैल्यू देखिएगा यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल दिया abcd@gmail.com, मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। फिर हमसे यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे फोन नंबर, तो फोन नंबर आपको अपना ही डालना है और ईमेल अपना ही डालना है, जिनका हम लोग कर रहे हैं उनका ही डालना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वो हमारा मेल पे ही आता है, ठीक है ना। तो मेल आपको सही से लिखना है और फोन नंबर यहाँ पे रैंडम वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू फोन नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, रैंडम वैल्यू मैंने फोन नंबर डाल दिया। उसके बाद से नेशनल आईडी जो पूछता है, तो आपको ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइएगा तो आपसे यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर पूछेगा कि जो आप ये बहरीन जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहरीन चूज किया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बहरीन बोला, देखिएगा यहाँ पे मैंने बहरीन चूज किया है, तो मैं ये यहाँ पे बोला जाएगा आपसे कि जहां पे आप जा रहे हो कौन से वर्क से जा रहे हैं, जैसे आप प्लम्बर से जा रहे हैं, फिटर से जा रहे हैं, लेबर से जा रहे हैं, जिस माध्यम से आप जा रहे हैं, जिस वर्क के लिए आप जा रहे हैं, आपको यहाँ पे वो चीज चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर से जा रहा है तो डॉक्टर चूज करेगा, अगर यहाँ पे प्लम्बर से जा रहा है, लेबर से जा रहा है, जिससे भी वो जा रहा है, जिस मैंने वर्क से वो जा रहा है, आपको यहाँ पे वर्क अपना चूज कर लेना है कि भाई वो किस वर्क से जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टील फिक्सर दिया है, तो स्टील फिक्सर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे स्टील फिक्सर डाल दिया, जैसे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लेबर, तो लेबर से जा रहा है तो लेबर आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए हेल्पर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हेल्पर से आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा और हेल्पर डाल दिए, तो कौन से हेल्पर में डाले अगर आपको डालना है, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके उसका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये मैकेनिकल हेल्पर से जा रहा है या दूसरा हेल्पर जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तब लिखना नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेल्पर वहां पे डाल सकते हैं, या जिसमें से आप जा रहे हैं, जिस आप क्लर्क के लिए आप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लर्क डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे आ जाने, देखिएगा आई कंफर्म यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे आ जाना है और एक बार ये अपना डिटेल मिला लेना है कि जो हमने यहाँ पे डिटेल भरा है वो आपका सही है कि नहीं है, पासपोर्ट से आपका जो यहाँ पे डिटेल भरा है वो सही है कि नहीं है, ये सारा डिटेल मिलाने के बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, तो देखिएगा ये हमसे बोला जा रहा है कि
कि जो आप ये मोबाइल नंबर भर रहे हैं गलत है। तो चलिए मैं ऐसे रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर दिया, और फिलअप करने के बाद से देखिएगा ये रैंडम वैल्यू हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है, और यहाँ पे ये क्लर्क हमने डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए मेरा ये देख लेते कहीं नहीं प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर मस्ट बीन यहाँ पे इंटरेस्टेड इन द, देखिएगा अब यहाँ पे आपको नंबर कैसे डालना है ध्यान में रखिएगा। जैसे हम इंडिया से आते हैं तो आपको नंबर कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे करना है और 091 करना है। यानी बोल रहा है कि इसमें आपका नंबर 14 डिजिट का होना चाहिए, यानी 14 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर इंडिया से हम लोग आते हैं तो +091 करके यहाँ पे दे देंगे लोग, और यहाँ पे 10 अंक का नंबर हो जाएगा, यानी 4 अंक ये हो जाएगा, 10 अंक ये हो जाएगा, 14 अंक हो जाएगा। आपको इस प्रकार से यहाँ पे नंबर को फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से समझिए कि आपको यहाँ पे इस पेज पे आ जाएगा, और जैसे इस पेज पे आइएगा तो आपको देखिएगा पेमेंट किस प्रकार से कटाना है, ध्यान से समझना है आपको। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो जिनका भी हम नाम लिखे उनका नाम आ जाएगा, फिर उनका ईमेल आ जाएगा, फिर उनका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, और अमाउंट यानी $10, यानी आपको लमसम ये 900 यानी 850 के करीब आपका ये पेमेंट कटने वाला है, ये डॉलर में बता रहा है। तो आपको यहाँ पे आ जाने, देख लीजिए आपको कितना पेमेंट कटने वाला है, और देखिएगा मैं आपको पेमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मांग रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, पहले ये डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाता था। तो देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नॉर्मल कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नेम, और यहाँ पे देखिएगा नेम ऑन कार्ड, यानी आपका जो एटीएम कार्ड होगा उसके ऊपर आपका नाम लिखा रहता है, और वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद से उसके कार्ड नंबर, यानी जो भी उसके कार्ड नंबर, जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिएगा मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा एटीएम एटीएम लोगो, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जो एटीएम होता है एटीएम कार्ड, देखिएगा मैं यहाँ पे आ गया। तो आपको इस प्रकार से एटीएम वहां पे मिल जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से बताऊंगा उस प्रकार से आपको डालना है। देखिएगा ये जैसे एटीएम आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एटीएम नंबर होता है, आपको यहाँ पे जब पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख रहा है जिसके नाम से ये एटीएम होगा, वो देखिएगा यहाँ पे ये कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो नाम वहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद से आपका एटीएम जो नंबर होगा वो आपको एटीएम डाल देना है। देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिएगा पहले आपको नाम डाल देना है, अपना यहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर डाल देना है, उसके बाद ईयर और मंथ, तो जो भी आपका ईयर मंथ होगा आपके एटीएम पे देखिएगा यहाँ पे आइएगा तो आपको वैलिड यानी एक्सपायर डेट आपको मिलता है। तो वही आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो भी आपका ईयर होगा आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको जो भी ईयर होगा आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जो भी मंथ होगा मंथ आपको सिलेक्ट करना है, और इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे दिखेगा कार्ड के पीछे जो काला पट्टी होता है उस पे आपका सीवीवी यानी 3 अंक का नंबर लिखा रहता है। आपको क्या करना है, वो नंबर यहाँ पे डाल देना, और ये डाल के आपको पे करना है। पे पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी फिलअप करके कंफर्म करेंगे तो आपका ये पेमेंट कट जाएगा, और आपको यहाँ पे एक स्लिप मिल जाने वाला है। तो ये था 100% आपका ये सिक्योर आपका साइड है, और यहां से आप गमका मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वो भी सेफ। तो अभी तक आपने ये वीडियो को, या आपने अभी तक ये वीडियो को पूरा नहीं देखा तो पूरा देख लीजिएगा, और पूरा देखने के बाद से एक एक स्टेप आप लोग देखिएगा, और ऐसे ही आप गमका मेडिकल का आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।